हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू भर की लिट्टी। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी चने दाल का सत्तू, और यहाँ पे लूँगी साथ में कटी हुई प्याज, कटी हुई लहसुन और साथ में हरी मिर्च। इन सभी को मिला लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूँगी मसाला। मसाले में जाएगा यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और साथ में लूँगी धनिया और जीरा पाउडर, और डालूंगी अजवाइन। तो इसे हाथ से रगड़ते हुए अजवाइन को डाल देना है। नमक, और साथ में आम का अचार। तो आम के अचार में सभी मसाला होता है, तो आप आम का अचार ले सकते हैं, मिर्च का अचार ले सकते हैं, और इसे मिला लेना है ताकि जो भी अचार का मसाला है अच्छे तरह से सत्तू में मिल जाए। और सरसों का तेल, थोड़ा तेल ज़्यादा डालूंगी मैं ताकि लिट्टी और भी अच्छा बने। और जो गुठली वगैरह होता है मिलाते हुए, गुठली को निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से मसाले को ऐड कर देना है और सभी को मिला लेना है। तो इस तरह से आपका सत्तू का मिक्सर बनकर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी धनिया का थोड़ा सा पत्ता। तो ये तो बनकर तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, आटा गूंथ लूँगी। तो यहाँ पे लूँगी मैं गेहूँ का आटा, उसमें डालूँगी मैं अजवाइन, मंगरेला यानी कलौंजी, और नमक, और पिघला हुआ घी। तो यहाँ पे मैं घी डाल दूँगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घी डालकर बनाते हैं तो लिट्टी बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप घी भी ले सकते हैं या तो आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और जैसे हम लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी लगा लेना है, लेकिन थोड़ा सा कड़क रखना है। और यहाँ पर लूँगी गुनगुना पानी, ठंडे पानी के साथ नहीं मैं मतलब आटा लगाऊँगी, गर्म पानी के साथ। तो ये देखिए, इस तरह से लोई ले लूँगी मैं। और मतलब आटा जब सानते हैं तो आप 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे तरह से आटा फूल जाए। और इस तरह से जो सत्तू का हम लोग मसाला बनाए थे उसे भर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा भरूँगी और दबा दबा कर भरूँगी, क्योंकि भाई सत्तू का लिट्टी है तो थोड़ा मसाला ज़्यादा होना चाहिए इसमें। और इस तरह से कवर कर लेना है। तो अगर आपको आग वाला लिट्टी खाने का मन हो रहा है और आप शहर में रहते हैं तो वहाँ तो सारा सामान मिल नहीं पाता है, जो आग का सामान होता है, तो गोईठा हो गया या तो आपका जो कोयला वगैरह होता है, तो आप गैस पे भी इस तरह से बना सकते हैं। तो जो गैस पे होता है, जिसे हम बैंगन भूनते हैं, टमाटर, तो उस पर भी आप लिट्टी बना सकते हैं। इसे मैं इस तरह से रख दूँगी, और गैस के फ्लेम को लो रखना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो लिट्टी ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन नीचे से बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो लो फ्लेम कर देना है और एक बड़ा बर्तन लेके उसे ढक देना है ताकि अंदर से भी वो अच्छे तरह से पक जाए। और बीच बीच में चेक भी करना है। तो देखिए, एक तरफ से पक चुका है तो मैं दूसरी तरफ से भी पका लूँगी और फिर से इसे ढक देना है। तो ये देखिए, इस तरह से घुमा घुमा कर सारे लिट्टी को पका लेना है ताकि कच्चा ना रहे। तो अब मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी। यहाँ कटोरी में लूँगी घी। घी में इस तरह से पूरे लिट्टी को डुबो देना है ताकि लिट्टी और भी टेस्टी हो जाए। अगर आपको अलग से घी खाने का मन है तो आप कटोरी में लेके खा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से डुबो देना है, आप बना लेना है टमाटर और बैंगन का चोखा। तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि ये भी वीडियो डाला हुआ है। तो ये देखिए, लिट्टी और चोखा बनकर तैयार हो गया है। तो बिहार में तो इसे बहुत ही पसंद किया जाता है। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।